हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल राउसर पे। बेटा जो ये मोटिवेशन वीडियो है मेरा वो इन स्टूडेंट के लिए है जो सर कहते हैं सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो बेटा उस पिता के लिए आपको मेहनत करनी है जो कड़कती धूप में आपके लिए पसीने बहा रहा हो, उस माँ के लिए मेहनत करनी है जो आपके सो जाने के बाद भी जगती रहती है और आपके उठने से पहले वो उठकर काम करती रहती है, उस माँ के लिए आपको मेहनत करनी है। बेटा जो आपका सपना है ना वो केला आपका ही सपना नहीं है, उस पिता का सपना, उस माँ का सपना, आपके भाई का सपना, आपकी बहन का सपना, उन सब लोगों का सपना है। बेटा आपका सपना अगर टूटा तो उन लोगों का दिल टूट जाएगा। जो रिश्तेदार आपके ऊपर ताने कसते हैं, आपको डिमोटिवेशन ग्रेटी फील कराते हैं, बेटा आपको उन लोगों के लिए मेहनत करनी है, उन पड़ोसियों के लिए मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना जिन लोगों ने अंगुली उठाई थी उनसे आपको तालियां बजानी है। बेटा उस पिता ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में जो परिश्रम किया है उसका रिटर्न करने का टाइम बेटा आपके पास अभी का ही है। कुछ आप कम से कम आपके पास आपका टारगेट तो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टारगेट नहीं है कि 12th के पास करना क्या है। नहीं बेटा सच्ची में नहीं है, बोल दो क्या करोगे बेटा, सर मैं IIT बनूंगा, सर मैं वो मतलब नीट में जाऊंगा, सर मैं डॉक्टर बनूंगा, सर मैं NDA में जाऊंगा। बेटा उनका एक फिक्स टारगेट नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो सोच कर दिल दिमाग हमेशा यहाँ पे रखते हैं, किसको अपने टारगेट को, सर मुझे डिफेंस पे जाना है और मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, सर मुझे NDA ज्वाइन करना है। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक वो बच्चे मेहनत करते हैं। सेम उन्हीं बच्चों की तरह आपको रात को लेट तक पढ़ना है। और बेटा जरूरी नहीं एक रूटीन और एक रेगुलरिटी बनाकर कम से कम अपने आप को सेक्रीफाइस जिस कर लोगे समझो आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि सर 5 दिन मेहनत करी और ढंग से भर्ती आई भाग लिया, अरे 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 नहीं मोटिवेशन नहीं आया, रुक जाओ। तो बेटा आपको रेगुलरिटी और रूटीन के साथ मेहनत करनी है और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो तो उस पिता को याद करना जो कड़कती धूप में आपके लिए गर्मी जिस कूलर के आगे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए सर बेटा बहुत कम और रात को लेट तक आते हैं, उसके बाद उनको ठंडी हवा नहीं मिलती, काम आते ही घर पे काम कर जाते हैं, बाहर रहते तो बाहर का काम करते हैं। तो बेटा आपको उस पिता के लिए मेहनत करनी है और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो तो बेटा आपके जो भाई राहुल सर है कभी भी आपकी हिम्मत को तोड़ने नहीं देंगे। तू ना थका था ना तू कभी रुका है और ना थकेगा और ना ही रुकेगा। जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेता तू तब तक ना थकेगा ना रुकेगा। अगर बेटा गिर जाए तो फिर से उठ जाना, क्योंकि गिरकर जो बंदा गिर गया वो हारा नहीं लेकिन जो गिरकर उठा नहीं वो हारा गया। तो बेटा तू अगर गिर रहा है तो उठ और चल और भाग और तब तक भाग जब तक तुझे तेरा लक्ष्य है प्राप्त नहीं हो जाता। ये बेटा ये लाइन्स है आपको हकीकत में बदलनी है और उसे हकीकत में तभी बदल पाओगे जब आप अपने मतलब जो वर्क है उस पर काम कर